अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शहर के वरिष्ठ नागरिक एवं उपस्थित सभी नागरिक गण लेते हैं कि आने वाले निर्वाचन में हम एवं हमारे सभी साथियों से मतदान का उपयोग कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। दादा बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया, कितने वर्षों से किया जाता है? सर्वप्रथम हमारे यहाँ 80 वर्ष के जो हमारे सदस्य घरों में से हमने इनको किया था, उनका हमने शाल श्रीफल और माला से हमने सम्मान किया और शासन के निर्देश के अनुसार हमने मतदान के लिए भी ईवीएम मशीन मंगवा कर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी हमारे सभी साथियों को बताया एवं शासन के द्वारा सम्मानित जिलाधीश महोदय के द्वारा निर्देशित थे कि सभी आए हुए साथियों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जाए, वह कार्य भी संस्था के द्वारा संपादित किया गया। आज का ये विशेष कार्यक्रम हमारे सम्मानीय शहर के नागरिकगण और विशेष रूप से एक न्यायिक हमारी अग्रवाल मैडम, एडीएम साहब और हमारी उपसंचालक सामाजिक न्याय की, वे विशेष रूप से हमारे यहाँ उपस्थित रहीं और देवास जिले के महापौर, जिला अपने प्राधिकरण के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष बीजेपी एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधि आए थे और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को सहभागिता किया गया। कितने वर्षों से कार्यक्रम जाता और आप कैसे अलग-अलग गतिविधियां? ये संस्था 27 वर्ष से करीब करीब संचालित है, विभिन्न चीज़ें हमारे यहाँ संचालित की जा रही है। हमारे यहाँ एक विशेषकर फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया जाता है जिनमें वरिष्ठों के लिए हम 80 रुपये में उन्हें फिजियोथेरेपी करते हैं और सामान्य के लिए 100 रुपये में, जबकि मार्केट में 250 रुपये 300 रुपये के आसपास उस फिजियोथेरेपी का लगता है। अभी हमारे यहाँ 800 के आसपास सदस्य हैं, किंतु अब श्राद्ध का पर्व चल रहा है, हमने सभी से अनुनय विनय किया था किंतु अति विशेष लोग मतलब सभी लोग पधारे। गंगा सिंह सोलंकी, संचालक वरिष्ठ नागरिक संस्था देवास, पेंशन संघ अध्यक्ष देवास।